सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 69वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूं और यह ध्यान विधि 46वीं है, 46th। यह जो विज्ञान भैरव तंत्र है तो आपको जैसे मैं बताते आ रहा हूं कि भगवती भैरवी ने जिज्ञासा की भगवान भैरव से, तो उनकी जिज्ञासा का समाधान उन्होंने दर्शन के रूप में नहीं दिया बल्कि साधना के रूप में दिया। तो साधना कौन सी हो, भिन्न भिन्न साधना उन्होंने बताई, तो अब उन साधनाओं पर ही आज मैं आपको ये 69वीं साधना विधि बतलाने जा रहा हूं। इसमें यह बताया जा रहा है लेहना मंथना कोटे स्त्री सुखस्य भरात स्मृतहे शक्तभावे अपि देवेशी भवेदानंद संप्लवः। अर्थात वो अधरों को चाटने से और मंथन करने से, आलिंगन करने से, चुंबन वगैरह करने से स्त्री सुख की स्मृति हो जाती है और स्त्री के अभाव में भी उस सुख की स्मृति होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि आनंद व्यक्ति के भीतर ही विद्यमान है, क्योंकि वह आनंदित हो जाता है। इसका अर्थ है आनंद भीतर का स्वरूप है, वह बाहर से नहीं आपके अंदर से ही प्रकट होता है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि स्त्री के साथ जो सहवास किया जाता है उस सहवास में व्यक्ति जो है उसके अधरों को चूमता है, उसे बाहों में भर लेता है, मंथन करता है, मर्दन करता है, बार बार मर्दन करता है। इस तरह से सहवास जो किया जाता है, अब यह जिस समय वो कर रहा होता है ऐसा, उस समय उसे सुख की अनुभूति होती है, यह तो सभी को ज्ञात है। लेकिन जब वह नहीं कर रहा होता है तब भी उन चीजों की स्मृति से तो उसे सुख मिलता है। इसका अर्थ यह हो गया कि सुख का स्रोत जो है वह हमारे भीतर है। क्योंकि यह सुख कहां से आता है, अगर विज्ञान की भाषा में बात करें तो एंडोर्फिन के रिलीज होने से आता है, डोपामाइन प्रोटीन के रिलीज होने से मस्तिष्क में, तो यह आता है। तो यह प्रोटीन, क्या यह प्रोटीन ही सुख का है? क्या ये जो प्रोटीन है, जो कि पदार्थ है, क्या आनंद
का स्रोत यहां से है। हमारे मस्तिष्क के किसी हिस्से से यह रिलीज होता है, तो क्या आनंद का स्रोत वह मस्तिष्क का वह हिस्सा है या यह प्रोटीन है? और इस आनंद की अनुभूति कौन भोगता है? और उस प्रोटीन में आनंद कहां से आया? ये प्रश्न खड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन में तो आनंद नहीं है, उसके प्रोटीन तो वाहक है आनंद का, तो आनंद उसके साथ संयुक्त कहां हुआ? आनंद उसमें कैसे प्रवाहित हुआ? ध्यान में इसे ही पता लगाना होता है, इसका ही शोध करना होता है। आनंद की अनुभूति हो रही है तो आखिर आनंद की अनुभूति कहां हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसका स्रोत क्या है, वह कहां से आया? तो यहां पर इतना तो हो गया कि व्यक्ति के भीतर ही है, लेकिन व्यक्ति के भीतर कहां है? हाथ में है, पैर में है, दिमाग में है, दिमाग में है, हमारे तंत्रिका तंत्र में है, तो कहां है? तो वो प्रोटीन में है कि वो प्रोटीन से भी जो एमिनो एसिड से बना उसमें है, कि वो डीएनए से बना हुआ है उसमें है? तो क्या डीएनए में है या डीएनए का जो बेस पेयर है उसमें है या अणुओं में है या परमाणुओं में है? आखिर है वो कहां, उसका स्रोत कहां से है? जब हम इसका पता लगाते हैं तो हमारा यह संप्लव हो जाता है, यानी हमारी लीनता हो जाती है और हम धीरे धीरे आनंद के करीब हो जाते हैं और लीन हो जाते हैं आनंद में ही। और तब हमें पता चलता है कि किसी में आनंद नहीं है बल्कि सभी आनंद के ही रूप है, सभी आनंद से ही बने हैं, सभी आनंद के ही स्वरूप है। हर तत्व, चाहे हमारा मस्तिष्क है, चाहे हमारी आंखें हैं, चाहे भौतिक पदार्थ है, जितने भी हैं, ये सब आनंद के ही बदले हुए स्वरूप है। और ये सब संप्लवा यानी ये लीन होने जाता है, यानी हमारा देह जो है लीन हो जाता है, मन में, मन जो है लीन हो जाती है, बुद्धि में, बुद्धि जो है लीन हो जाती है, विवेक में, विवेक जो है प्रज्ञा में लीन हो जाती है, प्रज्ञा जो है और जो सूक्ष्म तत्व है आत्म तत्व उसमें लीन हो जाती है। इस तरह से अंततः लीन होते हुए आनंदावस्था में चली जाती है। सहवास के समय सुख इस वजह से है, स्त्री की वजह से नहीं है, इस वजह से है कि वहां पर लीनता हो जाती है, यानी बाह्य बोध व्यक्ति का कम से कम हो जाता है। इसलिए तो सहवास में लोगों की चरम सुख की बात होती है तो वहां आंखें बंद हो जाती है। आंखें क्यों बंद होती है? अपने में लीनता के कारण। अगर व्यक्ति आंखें खोल दे तो उस सुख में कमी आ जाएगी। जितने स्तर तक वह लीन होगा उतने ही स्तर तक आनंद है, यानी लीनता में ही आनंद है। तो तंत्र यह कहता है कि वास्तव में सेक्स के कारण आनंद नहीं है, सेक्स तो एक बहाना है, यौन संबंध एक बहाना है, उसके माध्यम से लीनता होती है और लीनता के माध्यम से ही आनंद आता है। तो इस को ऋषियों ने खोजा है और को खोजने के बाद यह अनुभूत किया कि वास्तव में यह आनंद ही है जो हर स्वरूप पे प्रकट है, यानी दुख भी आनंद है, दर्द भी आनंद है। इसलिए दर्द भी अपनी चरम सीमा पर जाकर के आनंद में हमें ले जाता है।
हमें लीन करा देता है। दर्द जब बहुत बढ़ जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है, जब झेल नहीं पाता है तो बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश हो जाता है तो बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है, उसमें लीनता आ जाती है। परंतु चूंकि वह अपना होश गवा बैठता है इसलिए वह आनंदित नहीं रह पाता है, परंतु वह दर्द से भी मुक्त हो जाता है। यानी एक यह भिन्न एक अवस्था आ जाती है जिसमें कि आनंद भी उसे महसूस नहीं होता और दर्द भी महसूस नहीं होता, एक मध्य अवस्था आ जाती है। हमारी चेतना जब बेहोश न हो, होश में हो और लीन हो जाए तो ही आनंद आता है। यानी इसीलिए साधना में दर्द है, कोई भी साधना है जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो दर्द की चरम सीमा पर पहुंचेगा, और तब भी अगर उसकी चेतना लुप्त नहीं होती है तो वह आनंद में बदल जाता है, आनंद में लीनता आ जाती है और वह आनंदित हो जाता है। तो चेतना लुप्त नहीं होनी चाहिए, चेतना वह होना चाहिए और उसकी दर्द की पराकाष्ठा होगी तो पता चलेगा कि दर्द भी आनंद ही था, आनंद का ही स्वरूप है। इस अस्तित्व में जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वस्तु के रूप में देखते हैं, व्यक्ति के रूप में देखते हैं, प्राणियों के रूप में, जीव जंतु के रूप में देखते हैं, अवस्था के रूप में देखते हैं, सूक्ष्म तत्वों के रूप में देखते हैं, वे सब आनंद के ही स्वरूप है। चाहे मन है हमारा तो आनंद का स्वरूप है, चाहे प्राण है तो आनंद का स्वरूप है, चाहे ज्ञान विज्ञान है वो आनंद का स्वरूप है, ज्ञानानंद विज्ञानानंद है, यानी सभी आनंद के स्वरूप हैं। और यह विप्लव होने से, उसमें लीन हो जाने से ही हमें अनुभूत होता है। तो यही यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि चाहे तुम स्त्री सुख में भी हो, उस समय लीन हो करके ध्यान करो। इसीलिए तांत्रिक सब जो हैं, जो भी ध्यान साधना करते हैं वो सेक्स करते हुए ही करते हैं, क्योंकि उसको वहां अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, वहां एक सहज वृत्ति हो जाती है। तो चित्त की सहज वृत्ति हो जाने के कारण उसको ध्यान के बहुत ज्यादा उपक्रम नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां सहज ध्यान लग रहा है। यौन सुख में, यौन संबंध बनाने में सहज ध्यान लगता है, और सहज ध्यान लगता है तो उस समय जो है समाधि में पहुंचना आसान है। बस आपके भीतर में भोग की कामना उस वक्त नहीं होनी चाहिए, शोध की कामना होनी चाहिए। भोग की कामना होने पर तो आप पुनः जो है वहां से लौट आते हैं, तो भोग के समय जो व्यक्ति को अनुभूति होती है वह अनुभूति स्थूल होती है, और सुख की है वह सूक्ष्म आनंद की है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम तो बहुत कम है। उतना कम समय क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर की जो भौतिक शक्ति है वह ज्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि लीनता में भी कंजम्पशन होता है, खपत होती है, और शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि वह ऊर्जा, उतनी ऊर्जा विद्यमान रहे कि शरीर जी सके। इसलिए शरीर उस समय एक दोहरे मापदंड में जी रहा होता है, एक तरफ अत्यधिक तनाव होता है जीवन जीने का, प्राण शक्ति का, और दूसरी तरफ भोग की कामना होती है, एक दूसरे तनाव, दूसरा छोर होता है जिसमें कि भोग की कामना है, भोग लीनता है, तो वहां से वह आनंद ग्रहण कर रहा है, और दूसरी तरफ वह प्राण भी बचाए हुए है, इस कारण से वह ज्यादा देर वहां नहीं टिक सकता। प्राण बचाने की अगर मनसा नहीं हो तो प्राण को अगर समर्पित कर दिया जाए तो ही
हम शुद्ध रूप से ज्ञानमय विज्ञानमय स्थिति में जा सकते हैं, फिर ज्ञान और विज्ञान को भी विप्लव कर दिया जाए, लय कर दिया जाए, तो हम शुद्ध रूप से आनंद में जा सकते हैं। तो प्राण को लीन करने का जो हुनर है यही सीखना है, प्राणायाम ही तो सीखना है, और प्राणायाम के बाद धारणा सीखनी है, धारणा के बाद ध्यान, तब हम उसमें लीन हो सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी बाहरी व्यक्ति यानी पुरुष को स्त्री की या स्त्री को पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी हम स्वयं ही लीन हो सकते हैं। हाँ, संतान उत्पन्न भले नहीं कर सके, लेकिन जो आनंद है उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। तो ये जो ध्यान साधना है यह आनंद ध्यान है, और इसका और ये तंत्र के माध्यम से है तो जाहिर सी बात है कि इसका ध्यान आप सहवास के समय ही करें या स्वयं के भीतर शिव शक्ति जो कहा जाता है, स्वयं के भीतर शक्ति है। तो शक्ति यहाँ क्या है, हमारे जो पदार्थ हैं, हमारा जो मन है, तो यह इंद्रियों सहित शक्ति है, और इसको लीन करना है आनंद में, जो कि शिव है। तो शिव और शक्ति का सहवास व्यक्ति के भीतर होता है, एक व्यक्ति के भीतर ही शिव शक्ति का मिलन होता है, उसमें ही आनंद होता है, यही यहाँ का तात्पर्य है। और आप इस ध्यान साधना में जैसे बताया उस हिसाब से आप जा सकते हैं। हरिओम।